नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। इस समय मैं दिल्ली के किशनगढ़ के एक छोटे से कमरे में हूं और आप देख रहे हैं ये एक लड़की सोई हुई है। इसका नाम है शबनम। एक तरफ आज लोकसभा में 3 तलाक को लेकर के विधेयक पेश किया जा रहा है कि अगर 3 तलाक कोई बोल दिया, अगर किसी ने लिख करके दिया या किसी ने व्हाट्सएप किया या फेसबुक पे दिया 3 तलाक, तो उसे सजा मिलेगी। यहां जो कहानी है वह 3 तलाक से बचने के लिए एक रास्ता निकाला गया है, जो किस तरह से लड़कियों को अपने परिवार से निकाल भी दे और वो हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। इतना ही नहीं, इस शबनम की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं अपने कैमरा पर्सन को कि वो दिखाए इनका पैर, आप देखिए पूरी तरह से इनके दोनों पैर को तोड़ दिया गया है। ये कहीं वो कमर से लेकर के नीचे तक ये बेकार हो गई है। थाना, पुलिस, विधि व्यवस्था आज कोई का सहयोगी नहीं बन पा रहा है। क्यों? कि अगला जो है उसके जो रसूख है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो पहुंच है, वो अंदर तक है। शबनम की आवाज इसी घर में आज दब करके दिल्ली में रह गई है। इसका ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। घर की माली दशा ऐसी है कि तो वक्त की रोटी कमाने के लिए इसके भाई को दर बदर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। साथ में इसकी बूढ़ी माँ है। मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन की माँ को भी दिखाएं। ये इनकी मम्मी है शबनम की, पापा इसके नहीं है, है? गाँव में है, इनके पापा यहाँ नहीं है, पापा इसके गाँव में है। और सबसे बड़ी बात और इस चीज को जो सामने लाने के लिए जो सबसे ज्यादा गुस्से में है और मेरे सामने रो पड़ी थी, ये देख रहे हैं आप, ये जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा महिला अध्यक्ष मालती राय जी है, जैसा कि आपने सुना तो ये है। और अब मैं शबनम की कहानी, इनकी दर्द भरी कहानी इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। शबनम, कब आपकी शादी हुई? नवंबर में। किस ईस्वी में? 2015 में। 2015 के नवंबर महीने में शादी हुई थी। तो क्या हुआ? जब मेरी शादी हुई थी तो 1-2 महीने तक मतलब अच्छे से सब फैमिली खुशी से रहते थे। उसके बाद जो मेरा ससुर बदतमीजी किया, उसके बाद से हम किसी से उतना लगाव नहीं रखते थे, सिर्फ काम से मतलब रखते थे। इसके वजह से धीरे धीरे घर से निकलने के लिए झगड़ा, लड़ाई, मार पीट, यहाँ तक कि 2-3 दिन तक खाना नहीं देते थे वो लोग। अच्छा, तो ये ससुर ने आपके साथ क्या करने का प्रयास किया? थोड़ी सी कहानी आप संक्षेप में बताइए। और आपके कितने भाई हैं आपके हस्बैंड? 4 भाई हैं। उनके भाई लोगों ने भी आपके साथ कुछ करने का किया? एक बार ने कई बार प्रयास किया लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो सब ने मिलकर के आपके साथ ऐसा किया, ऐसा जैसा कि आपने, या क्या किया, हकीकत क्या है आप बताएं। मतलब मार पीट जब कर रहा था मतलब घर से निकालने के लिए, तो मेरा फैमिली तो पूरे दिल्ली में था, तो मार पीट मतलब जब करता था तो हम घर में रहते थे, अब कहाँ जाएंगे, मैके तो है नहीं, सब तो दिल्ली में रहते थे। इसके वजह से अब सोचा क्या करेंगे, वे छत से ले गए धक्का दे दिया। पैसा कौड़ी भी मांगते थे पहले या बिल्कुल? हाँ, मतलब भाई से मांग करो भले बिजनेस करने के लिए भले पैसा दो, तो हम बोले हम अपने भाई से नहीं मांग करेंगे। जब मेरा शोहर का जब पैर हाथ सलामत है तो मांग क्यों करे। देवर की शादी नहीं हुई थी? नहीं, देवर की शादी नहीं है, सिर्फ एक बड़े भाई का शादी हुआ, इसके बाद इसके शादी हुआ, बस हो गया। तो इन सब ने तुम्हारे साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की? क्या नहीं, सिर्फ बदतमीजी मेरा ससुर किया था बस, इसके वजह से हमको बहुत। का मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो या कुछ और? मैंने रात में क्या घटना, कैसे क्या घटना घटी जिससे जो हमारे दर्शक और जो प्रशासनिक अधिकारी लोग या जो कानून से जुड़े हुए लोग सुन रहे होंगे, देख रहे तुमको शबनम, सही बताना क्या हुआ, तुम्हारे ससुर ने क्या किया?
मतलब बहुत बुरी तरीके से बदतमीजी करना चाहा, मतलब कर नहीं सका, लेकिन पूरे बदन को मतलब झिझोर दिया। मेरे हस्बैंड दुकान में थे, वो नहीं आए थे, वो घर पे नहीं थे, तो आप मोबाइल मांगने गए थे, उसी वक्त ये घटना घटा था। तो आप समझ सकते हैं कि इनके जो ससुर हैं, पिता, एक फादर जिससे इतनी उम्मीदें होती हैं, उन्होंने ही इनकी असमत से खेलने की कोशिश की, और जब वो इसमें सफल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? घर से निकालने के लिए बहुत साजिश करने लगा कि अब तो बदतमीजी हो गया है तो लड़की कुछ भी करेगी, इसीलिए लोग झगड़ा लड़ाई से हमको निकालने की कोशिश किया। जब नहीं निकले तो छत से धक्का दे दिया। देवर लोग भी तुम्हारे साथ कुछ बहुत मारपीट? देवर लोग भी बहुत बदतमीजी करता था, गाली गलौज मारपीट। जब आप हस्बैंड को कहते थे तो क्या कहता था? तलाक दे दूंगा। नहीं, वो तो तलाक देने की बात नहीं कर रहे थे, वो अपने फैमिली को बोल रहे थे, तो उसका फैमिली उसको मारने का, जान से मारने का धमकी दे रहा था। तब फिर वो चुप हो गया, डर से कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके ससुर कुछ थे पहले, क्या थे? हाँ, मुखिया थे। मुखिया थे? हाँ, मुखिया की दबंग रही उनकी जी। मुखिया थे तो मतलब पहले मुखिया थे, अब हार गए। ये टूटा कैसे? इसकी कैरेक्टर ढीला था, मतलब बदतम, मतलब इनका बोली विचार जो है ना बहुत खराब है। मेरा ससुर का खाली गाली गलौज करते रहते, और पीता था रात में। हाँ, दारू पीते थे, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं। अगर सुबह को 9 बजे अगर घर से निकले हैं तो सुबह 7 बजे घर में आते थे, ताश भर भर रात ताश खेलते थे। अगर बोलती थी तो तेरा बाप पास आ देता है खेलने के लिए क्या? तो ये सब मिल करके ही मारने लगते थे? हाँ, मेरा पति मारने लगता था। तो मारा ऐसे मैंने? हाँ, सब मिल करके। अच्छा, तो ये जो आपके साथ जो ये टांग जो आपका कमर के नीचे तोड़ा, ये घटना कैसे, उस दोनों कैसे तोड़ा? मतलब पहले सांप का हल्ला हुआ, तो उससे पहले हम छत पे गए तो मतलब जो बगल वाली बाउंड्री थी उस पे अगर लटक के देखे तो नहीं गिरे। जब मेरा हस्बैंड आया रात को, फोन किए कि सांप है घर में, तो आए तो बहुत लेट से आए। जैसे हम शाम को 3 बजे फोन किए ना, तो 8 बजे 9 बजे करीब आए शाम को, तो छत पे गए, बोले कहाँ सांप है दिखाओ दे। जब सांप दिखाने गए तो जो बाउंड्री होती है ना छत का, तो बाउंड्री पे सिर्फ हम हाथ रखे, तो वो भी हाथ रखे थे, तो वो मुझसे खड़े थे, वो पीछे से आके धक्का दे दिए। रात का मौसम था, देखे नहीं कि कब वो पीछे हटा, पीछे से धक्का दे दिया, बाउंड्री लेते नीचे गिर गए। कितनी बड़ी दर्दनाक, कितनी भयानक घटना है। जिस पति के साथ ये निकाह की और उसने वादा किया कि जीवन भर साथ निभाऊंगा, वो तमाम जो निकाह पढ़ने के समय में उन्होंने वचन दिए होंगे, रस्म हुए होंगे, आप समझ सकते हैं कि इनके सबका अपना अपना तरीका होता है, वो सब कुछ वो भूल गया। और इस खून सी बच्ची को जो उनकी पत्नी थी, जीवन भर साथ निभाने के बजाय इससे पीछा छुड़ाने के लिए इनको ही जान से मारने की कोशिश की। और कैसे मारने की कोशिश की, क्या हुआ नीचे? जब नीचे तुम गिरी तब क्या हुआ? तब मतलब नीचे गिरे तो मतलब गिरे हुए हैं, तब पड़ोसी सब आके खून जो लगा हुआ था, जो कपाल वाल फट गया था, पूछ रहे थे। तब मेरी सास आई, तो सास को प्यार से मतलब ये करना चाहिए था, सास बोल रही है मतलब जानबूझ के गिर गए। हाँ, मतलब कि सब मुँह पे कपड़ा डाल रहा था, उज बुझा रहे थे, तो हाथ से मार के फेंके कपड़ा, तब जाके सब पर, हाँ तब पड़ोसी सब बोल रहा है जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, तो क्या तो गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो ये टेम्पो नहीं मिल रहा है, तो जाके लास्ट में वो जो होता है ना लकड़ी का ठेला, उस पर लाद के लेके गया तो हॉस्पिटल में। अब क्या बोला मेरे ससुर ने, बोला हॉस्पिटल में एक बोतल पानी चढ़ा, एक इंजेक्शन दिया, बस बाहर रात इसी तरह हमको छोड़ दिया। तब जाके मैं अपना बहन को फ़ोन किया, बगल में ही शादी हुआ मेरी बहन का, फ़ोन किए, वो लोग बोली पूर्णिया लेके जाने के लिए, हाँ जा रहे हैं, करते करते 12-1 बज गया, 12 बजे लेके गया पूर्णिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हॉप में लेके गया, तो वहाँ 40,000 टका मांगा, तो वो ये लोग बोल रहा टके नहीं है, तो हमको हॉस्पिटल से निकाल के बाहर कर दिया। अब क्या करें, अब मरने हो गए, तो भैया 10,000 रुपया मेरे भैया अकाउंट में डाले, तो एम्बुलेंस करके पटना लेके आया, वहाँ पर भी इलाज करने नहीं सका। मतलब अब मरने हुए कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे, तब मेरा भैया को देखा नहीं गया, तब मेरा भैया इलाज करा, आज तक अभी तक भैया इलाज कराते, अगर भैया इलाज नहीं कराते तो मैं ही रहता। इनको जो है पैसों के लिए
किस तरह से उन्होंने कहा अपने इस्लाम के और तलाक के बात को किस तरह से उन्होंने रखा, जरा देखिए। तलाक का केस ना है कानून के अंदर में, मर्डर केस में तो 3 महीने में बेल ले लूंगा, बाहर से बेल ले लूंगा, एंटीसेप्टिक बेल ले लूंगा, 3 महीने के अंदर बेल हो जाएगा, क्या होगा, केस ही होगा ना, केस करेगा ज्यादा ज्यादा, कोई बात नहीं, मार के फेंक दूंगा, हमारी तो मंत्री तक पहुंचे, उसका दामाद बोला है मुझे, उसका दामाद बोला है कि हम, दामाद का नाम मुझे याद नहीं है, अकबर अली नाम है उसका, उसने कहा है कि मेरा ससुर मुखिया और मंत्री तक वहां पहुंचे, क्योंकि वहां पे एक मंत्री है जयदुल मस्तान, उनके टच में है वो लोग, जहां तक मैंने सुना मैं जानता पक्का नहीं। सबसे बड़ी बात है ये लोग बोलने भी नहीं चाहते, शर्म भी आती है कि उनके कुर्बे के जितने लोग थे, जब से सबनम उसके घर में आई, सबकी नजर उनकी खूबसूरती पे और उनके पैसों पे था, वो बार बार कहते थे अरे यार पैसा देने में लेट ही हो जाए तो मेरे साथ ही सेट हो जाओ, लेकिन ये बात ये लोग दबी जुबान ऑफ कैम तो बोले हैं, लेकिन बोलने में सबको शर्म आती है, लेकिन उसकी माँ क्या बताती है सुनिए। बार बार हमको आसमा खाते हैं। कौन है आपकी? हाँ, लड़की है। हाँ लड़की है। हाँ लड़की है। हमको बार बार खबर दिया कि लड़की को ससुराल में शादी की हो तो पैसा हमारा और आ गया, कारोबार करने के लिए हमको पैसा दीजिए, नहीं तो हमको अपना लड़की को जान से मार देंगे। तो मैं बोले कि हम जो था हम अपना दे दिए, अब अपना कमा के खिया, हाथ गोर सलामत, हम क्यों देंगे पैसा। तो बाद में हमारे लड़की के साथ ऐसा घटना किया। मालती राय जी जदयू की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हैं और आपकी सरकार दिल्ली में है, अभी नीतीश कुमार जी आए भी थे, उन्होंने दहेज के खिलाफ में एक मुहिम चला रखी है, और आज जो है 3 तलाक के मुद्दे पर अब बीजेपी और आप अब मिल चुके हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर इस लड़की के लिए आई है, आपका क्या कहना है इस स्थिति में जबकि सरकार आपकी है? मेरा ये कहना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं पर बहुत काम करते हैं, और हमको ये अभी फिलहाल में ही 2 दिन पहले ये केस पता चला है कि यहाँ पर ऐसे बिहार की लड़कियाँ और यहाँ पर ऐसे इनके भाई काफ़ी परेशान हैं, भाई आकर के मिले, फिर हम लोगों ने इन पर कार्रवाई चल दी, और मैं जानती हूँ कि हमारे वहाँ पर सरकार है, ये सरकार तक बात जैसे जाएगी वैसे वहाँ उन पर कार्रवाई की जाएगी, और मैं जहाँ तक हो सकेगा इस लड़की के लिए 2 पैर नहीं मैं आज से 4 पैर बन के, 1 माँ नहीं मैं 1 माँ बन करके खड़ी रहूँगी, और मेरे को जहाँ तक चलेगा एक महिला एक माँ होने की पार्टी तो है ही, लेकिन एक महिला माँ होने के लिए मैं खड़ी रहूंगी। अब इसकी आंसू नहीं हमारी पूरी देश की महिलाओं की आंसू है, एक सबनम नहीं क्या पता इसी कितने सबनम की यह हाल होगी, लेकिन आज के बाद फिर चाहे बिहार हो या पूरा दिल्ली हो या पूरा देश हो, कोई सबनम की आंखों में आंसू नहीं बहना चाहिए। सबनम की आंखों के आंसू देख रहे हैं कि अभी अध्यक्षा मोदिया भी रोने लगी, और जो भी यहाँ आता है इनकी दशा को देख करके उनके आंखों से आंसू बह ही निकलते हैं। इन आंसू का अंत कब होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, फिलहाल हम इतना कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों को इस बात को संज्ञान में अगर कोई ना लेता है तो लेना ही चाहिए, और इस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हनी के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, किशनगढ़, दिल्ली।